अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू किचन विद आमना कैसे हैं सब उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे खुश होंगे मजे में होंगे वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं बना रही हूँ शक्शुका शक्शुका मतलब सारी चीजों को कंबाइन करके एक ही पैन में कुक करना है और ये रेसिपी नॉर्थ अफ्रीकन्स की है लेकिन अब ये वर्ल्ड वाइड फेमस है और ज्यादा मिडिल ईस्ट में जो है बनाया जाता है इसको बनाना भी बहुत आसान है और ये बहुत ही मजे का बनता है आप लोगों ने जरूर ट्राई करनी है रेसिपी और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है रेसिपी स्टार्ट करती हूँ मैंने एक पैन ले लिया है उसमें बटर डाला है वे स्पून बटर मेल्ट हो गया था उसके बाद मैंने ऑलिव ऑयल डाला है टेबल स्पून अब यहां पे मैंने एक हैंड चॉपर लिया है उसमें मैंने दो वो मीडियम साइज के प्याज डाले थे उसको मैंने मैंने चॉप कर लिया है प्याज को ऑयल हो गया था मैंने बटर में ऑयल में जो है प्याज डाल दिया है प्याज को मैंने सौते किया है कलर चेंज होने तक और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे ग्रीन चिलीज डाली है मैंने ग्रीन चिलीज जो है फ्रीज की हुई है ग्रीन चिल्ली का जो है पेस्ट बना लें पानी डाले बगैर इसको ग्राइंड कर लें और इसको जो है फ्रीजर में रख लें छुरी से जो है शेप बना के रख सकते हैं छोटे क्यूब साइज की और फिर आप इसे यूज कर ले मैंने यहाँ पे जो है तकरीबन वन टी स्पून जो है वन टी स्पून ग्रीन चिलीज डाली थी मैंने इसे फ्राई कर लिया था उसके बाद मैंने फ्रेश गार्लिक डाला है यहाँ पे मैंने वन टी स्पून फ्रेश गार्लिक डाला है इसको मैं सौते करूंगी इसको सौते करने के बाद अब जो है मैं इसमें टोमेटो पेस्ट डाल रही हूँ मैंने यहाँ पे पूरा एक पैकेट जो है टोमेटो पेस्ट डाला है इसमें टोमेटो पेस्ट डालने के बाद मैं टोमेटो पेस्ट को अच्छे से कुक कर लूंगी ऑयल सेपरेट होने तक जो है मैं टोमेटो पेस्ट को कुक करूंगी उसके बाद जो है मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी जो मैंने चॉप किए हैं मैंने यहाँ पे तीन लार्ज टमाटर लिए थे तीन लार्ज साइज के टमाटर लिए थे उसे मैंने हैंड चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था और अब ये टमाटर जो है चॉप किए हुए ये मैं इसमें डाल दूंगी इसे जो है मिक्स कर लूंगी उसके बाद में जिस प्यारी से डाला है उसमें ही थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसमें डाल दूंगी पैन में और अब जो है मैं इसे हाई फ्लेम पे कुक करूंगी इसमें जीरा भी डाल सकते हैं जब आप ऑयल बटर मेल्ट हो जाएगा उसके बाद जो आप इसमें जीरा डाल लें फिर प्याज ज डाल लें और अगर आप इसमें बेल पेपर्स भी डालना चाहते हैं तो प्याज के साथ ही आप इसमें बेल पेपर्स कट करके चॉप करके बेल पेपर्स डाल लें अब मैं इसमें मसाले डालूंगी मसालों में मैंने वन टीस्पून सॉल्ट डाला है साथ में ही मैंने वन टीस्पून स्पून पाउडर डाला है हाफ टी स्पून मैंने इसमें टर्मरिक पाउडर डाला है मसालों को मैं मिक्स कर दूंगी अच्छे से कुक हो गया है मसाला जो है आ, मसाले का ऑयल सेपरेट हो गया है मसाला अच्छे से रेडी है गैस हाई फ्लेम पे है मसाला एकदम तैयार है अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी पानी डालने के बाद मैं इसे मिक्स करूंगी मिक्स करने के बाद जो है अब मैं इसमें थोड़ी सी जगह बनाऊंगी मैंने टोटल यहाँ पे पांच अंडे यूज किए हैं एक एक अंडा प्याली पे तोड़ के जो है मैंने यहाँ पे जगह बनाई है मसाले को साइड पे किया है बीच में अंडा डाला है ऐसे मैंने पांच अंडे डाल लिए हैं जगह बना के और अब जो है यहाँ पे मैं ये चीज क्रीम चीज जो है ये यूज कर रही हूँ यहाँ पे जो पांच अंडे है तो उस हिसाब से पांच चम्मच जो है मैं क्रीम चीज डालूंगी साइड पे अंडे के एकदम पे जो है क्रीम चीज डालूंगी मैं आप इसमें थ्री टेबल स्पून क्रीम चीज डालें और साथ में टू टेबल स्पून फेटा चीज डालें ऊपर से मोजरेला चीज भी डाल सकते हैं इसमें।, इसमें कवर करके लो फ्लेम पे कुक करना है पाँच से आठ मिनट के लिए अब अपने हिसाब से जो है टाइम भरा सकते हैं और कम कर सकते हैं मुझे अंडा जो है हंड्रेड परसेंट कुक चाहिए आप चाहें तो आ, इसका येलो वाला पार्ट जो है थोड़ा कच्चा भी रख सकते हैं उसके लिए टाइम जो है आपको कम करना पड़ेगा पाँच से आठ मिनट में जो है अंडा तैयार था हंड्रेड परसेंट कुक था जो है गार्निश के लिए मैंने फ्रेश धनिया डाला है और ग्रीन चिल्लीस डाली है ऊपर से और ये देखिए अंडा 100 परसेंट कुक है इसको आप ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं रोटी के साथ भी खा सकते हैं इसको आप ब्रेकफास्ट ब्रंच और डिनर में खा सकते हैं बहुत ही आसान सी रेसिपी है शक्शुका की और बहुत ही मजे की बनती है आप लोगों ने जरूर ट्राई करनी है रेसिपी और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे ऐसे ही प्यार देते रहना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मैंने रेड चिली यूज नहीं की थी इसलिए मैंने ग्रीन चिली जो है वन टीस्पून स्पून डाली थी और इसमें बेल पेपर्स भी डलते हैं बहुत ही मजे की बनती है जरूर ट्राई करना